दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं नोकिया 8.1 और रियलमी XT के बीच में एक डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं। जैसे कि हर कंज्यूमर्स की नीड्स होती है ना, वो डिफरेंट होती है। हर कोई स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए नहीं खरीदता, हर कोई स्मार्टफोन को सिर्फ कैमरे के लिए नहीं खरीदता। हर एक कंज्यूमर की नीड्स है ना, वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से कुछ कंज्यूमर्स को रियलमी XT ज़्यादा पसंद आ सकता है या फिर कुछ कंज्यूमर्स को नोकिया 8.1 ज़्यादा पसंद आ सकता है। तो अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा एंड तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपके नीड के हिसाब से आप लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन में से किसके साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे कंज्यूमर हो जिसको बिल्कुल ही एक मॉडर्न लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए, जिसको बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव कैमरास चाहिए, बहुत ही अच्छी बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन चाहिए और एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला फ़ोन लेना है, तो आप लोगों को रियलमी XT के साथ में जाना चाहिए। और हाँ, अगर आप लोगों को मल्टीमीडिया कंज्यूम करने का, यानी कि म्यूजिक या फिर मूवीज़ देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो आप लोगों को रियलमी XT के साथ में ही जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को 6.3 इंचेस के एक सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, वो भी एक ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ में। वहीं पर नोकिया 8.1 के अंदर आप लोगों को बड़ा सा नॉच देखने को मिलेगा, और लेकिन इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है ना, वो भी काफ़ी सही है, लेकिन इसके अंदर आप लोग 6.1 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। इसीलिए अगर किसी को मूवीज देखना है, मल्टीमीडिया कंज्यूम करना ज्यादा बेहतर लगता है, तो आप लोगों को रियलमी XT के साथ जाना चाहिए। नोकिया 8.1 बेकार ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसकी डिस्प्ले बड़ी है रियलमी XT की, जिसके वजह से इसके अंदर जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और इसके बैक साइड में भी आप लोगों को ग्लास बॉडी देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिल जाएंगे। इस फोन के अंदर आप लोगों को 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, वूक फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसी रीज़न की वजह से इस फोन का जो बैटरी बैकअप है ना, वो भी नोकिया 8.1 से ज़्यादा निकल कर आ जाता है, क्योंकि नोकिया 8.1 के अंदर आप लोगों को सिर्फ 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। नो डाउट ये जो बैटरी है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन रियलमी XT के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम चलती है इसकी बैटरी। और इसके अंदर भी आप लोगों को बॉक्स के अंदर 18W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा और यूएसबी टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। फोटोग्राफी के लिए भी इसके अंदर आप लोगों को 64 MP का बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप लोग को एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक मैक्रो लेंस और एक डेप्थ सेंसर भी मिल जाएगा। कैमरा क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो दोनों फोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही काफ़ी अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी क्लिक करके देते हैं आप लोगों को। लेकिन नोकिया 8.1 के अंदर आप लोग को सिर्फ 13+12 MP का दो कैमरा देखने को मिलने वाला है। इसी वजह से रियलमी XT के पास एक एडवांटेज है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक मैक्रो लेंस की वजह से। इसके लिए अगर आप लोग को फोटोग्राफी का ज़्यादा शौक है, तो आप लोग को रियलमी XT के साथ जाना चाहिए। लेकिन रियलमी XT के जो पिक्स के कलर होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा बूस्टेड कलर्स दिखाई देते हैं आप लोगों को, और वहीं पर नोकिया 8.1 के अंदर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नेचुरल कलर शो करता है नोकिया। लेकिन अगर आप लोगों को अगर वीडियो निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आप लोग अपने स्मार्टफोन को वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो और आप लोगों को एक ड्यूरेबल स्मार्टफोन चाहिए और एक स्टॉक एंड्रॉयड वाला स्मार्टफोन चाहिए, बिल्कुल ही क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए आप लोगों को एंड्रॉयड का, तो आप लोगों को नोकिया 8.1 के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इस फोन के अंदर आप लोगों को एंड्रॉयड 1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही स्टॉक एंड्रॉयड का आप लोगों को फील देगा, जो कि काफी ज्यादा फ्लूइड और स्नैपी फील होता है। वहीं पर रियलमी XT के अंदर आप लोगों को कलर OS 6 देखने को मिल जाएगा। और वीडियो के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि नोकिया 8.1 के अंदर आप लोग को ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर आप लोग को एक ओजो ऑडियो का फीचर देखने को मिल जाएगा, जो कि वीडियो क्वालिटी के आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके चला जाता है। इसीलिए अगर आप लोग वीडियो ज़्यादा शूट करते हो या फिर आप लोग व्लॉगिंग करते हो, तो आप लोगों के लिए नोकिया 8.1 बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। और भले ही दोनों स्मार्टफोन के अंदर आप लोग को ग्लास बॉडी देखने को मिल जाएगी, लेकिन नोकिया के अंदर जो बाजू के फ्रेम्स है ना दोस्तों, वो एक एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में आते हैं, और रियलमी XT के अंदर आप लोगों को प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाएगा। इसीलिए नोकिया 8.1 थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेबल भी है रियलमी XT के कंपैरिजन में। और वहीं पर अगर आप लोगों को गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन चाहिए, तो ये दोनों ही फोन में से कोई भी आप ले सकते हो, क्योंकि स्नैपड्रैगन 710 और 712 में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इसके लिए आप लोगों को गेमिंग में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोग कोई भी ले सकते हो। तो आप लोग मुझे अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को इन दोनों फोन में से कौन सा ज़्यादा बेहतर लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग